Audio Jungle. इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है रीवा नगर निगम से, जहां नौ कर्मचारियों के तबादला कर दिए गए हैं। ये तबादला मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि देर शाम ये आदेश जारी किए गए हैं, जहां नगर निगम के नौ का इससे पहले जो है दो आयुक्त जो है उनके तबादले किए गए थे। इस पूरा जो मामला सामने आया है ये लगातार कई दिनों से विवादों के घेरे में रहा, खासकर भाजपा से जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से जो कह सकते हैं जमे हुए थे। अब तक कोई तबादला नहीं हुआ था, कोई ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे इन कर्मचारी, लेकिन जैसे इस कांग्रेस सरकार बनी और कांग्रेस सरकार के बाद ये पहला ऐसा कह सकते हैं जहां पे अब तक 9 और 2 अधिकारी सहित कुल 11 जो है अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं। किनके तबादले किए गए उनकी जो सूची सामने आई उनमें से जो है ये नाम प्रमुख तौर से सामने आए हैं जिनका तबादला अलग अलग जिलों में किया गया है। ये हैं वो तबादलों की सूची। रीवा नगर निगम से जिन कर्मचारियों के तबादला किया गया है उनमें एपी शुक्ला एसडीओ रीवा, उनका भोपाल ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा एसके त्रिपाठी रीवा से कटनी, सुबोध कांत चतुर्वेदी रीवा से सिगरौली, राजेश चतुर्वेदी ट्रेसर के पद पर जो रीवा नगर निगम में पदस्थ हैं इनका तबादला जो है कटनी किया गया है। बुद्ध सिंह जो रीवा से इनका सतना किया गया है। मुन्ना लाल बाल्मीक रीवा से सतना, अरुण शुक्ला रीवा से कटनी तबादला किया गया है। इसके अलावा जो है अच्छे लाल पटेल रीवा से कटनी, संतोष सिंह जो समय लाल के पद पर पदस्थ हैं इनका जो है रीवा से सतना स्थानांतरित किया गया है। इससे पहले जो है यहाँ पर शैलेंद्र शुक्ला जो तत्कालीन आयुक्त थे उनका भी कार्यपालन यंत्री रहे हैं, उनका भी तबादला किया गया जा चुका है। दो आयुक्तों का भी तबादला पूर्व में किया जा चुका है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शहर सरकार पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम रीवा से और भी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सुरेंद्र तिवारी, रीवा दर्शन।